करना होता है कि हम कंडीशनली उसको रिस्पेक्ट ना कर रहे हो कि अगर तुम ये वाला अच्छा काम करोगे तो तुम रिस्पेक्टफुल हो और अगर नहीं करे तो फिर तुम रिस्पेक्टफुल नहीं हो, बल्कि आपने उसको इज्जत इस वजह से देनी है क्योंकि वो एक रिस्पेक्टफुल एंटिटी है सिंगल हैंडली, और जो आपने उससे कोई बात मनवानी है या कोई अच्छी आदत सिखानी है वो एक अलग चैप्टर होना चाहिए आपके जहन में भी। वो कभी भी दोनों चीजें एक नहीं होनी चाहिए कि अगर वो अच्छे अच्छे काम करेगा तो हम उसकी इज्जत करेंगे और अगर वो नहीं करेगा तो वो एक इज्जत के काबिल शख्स नहीं है। ये चीज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी बिहेवियर के जो चेंज है वो एक अलग चीज है और कॉन्फिडेंस को पैदा करना, उसको मेंटेन रखना या उसकी हिफाजत करना ये बिल्कुल एक अलग चीज है। तो इन दो चीजों को अक्सर वालिदैन मिक्स कर रहे होते हैं कि जो बच्चा अच्छे काम करेगा या बात मानेगा उसकी तो रिस्पेक्ट हम करेंगे और वो फिर आपको कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहा होगा। जो बच्चा थोड़ा मुख्तलिफ होगा, जिसे समझने की जरूरत पेश आ रही होगी, उसको हम अनकंडीशनल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से वो बजाय इसके कि हम उसे समझें और उस मुख्तलिफ बच्चे में भी एतमाद पैदा हो, वो एक तनकीद का शिकार सा रहता है वालिदैन की नज़र में और उसका कंपैरिजन भी जारी रहता है, जो कि एक और अलग चीज़ है जिसकी वजह से एतमाद बजाय ज़्यादा होने के या बेहतरी आने के वो कम होता जाता है। तो रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ उम्र के लिहाज से बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि अगर वो खुद करें और उनको करने दी जाएँ, भले वो बहुत परफेक्टली नहीं कर रहे, उनकी वजह से भी उसके अंदर इननेट मौजूद जो एबिलिटी है अपने खुद पर एतमाद करने की वो ज़्यादा होती है।